साथियों नमस्कार। अगर किसी भी स्ट्रीट डॉग को घाव हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, घाव की कंडीशन में आप बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी दो वीडियो ऐसे बनाए थे जिनमें कि एक वीडियो में मैंने घाव पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को स्प्रे और दवा बताई, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी टैबलेट्स बताई कि आप किस तरीके से, बहुत सारी नहीं सारी दो टैबलेट ऐसी बताई जिनसे आप 100% घाव को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको देसी दवा बताऊंगा। आप लोगों के लगातार उन वीडियोस पर मैं कमेंट देख रहा था तो कमेंट आ रहे थे कि सर देसी दवा भी बताइए जिससे हम स्ट्रीट डॉग के घाव को फ्री में ठीक कर सकें। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री वाली जानकारी मिलेगी। लेकिन हाँ, जो यूनिक जानकारी चाहते हैं पहले ही बता दो कि वो दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि कौन सी टैबलेटें हैं और कौन सी स्प्रे है, क्या है, कैसे अप्लाई करना, सब चीज़ें बॉडी वेट के हिसाब से मैंने वहाँ पर बता रखी है। फिर से रिपीट ना ही करने पड़े, आज तो देसी इलाज ही बताऊँगा मैं। और देसी में जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट डॉग के लिए, और सबसे बेस्ट जो इलाज होता है, सबसे बेस्ट, और उस इलाज में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खिलाते भी हैं और लगाते भी हैं और गजब का रिजल्ट पाते भी हैं। भाई, नीम आपने सुना होगा। नीम का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो पत्ती है, टहनी है, या फिर उसकी जड़ है, या फिर उसके छाल है, किसी को भी आप रगड़ करके और किसी भी स्ट्रीट डॉग के घाव पर अगर लगाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये फ्री का तरीका है और गजब का रिजल्ट देता भी है। लेकिन इसी नीम के साथ अगर दो चीज़ें और ऐड कर दी जाए लगाने के लिए, जिसमें से एक है नारियल का तेल और दूसरा है हल्दी, इन तीनों को, नारियल का तेल, हल्दी और छाल को या पत्तों को, सूखे हुए होने चाहिए, तीनों को बराबर मात्रा में आप लेंगे। बराबर मात्रा में लेकर के एक पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा, और ये पेस्ट आप उस स्ट्रीट डॉग के लगाइए और कोशिश कीजिए कि उसको घंटे भर तक आप बिजी रख लें ताकि वो चाटने ना पाए, तो बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि उन टैबलेटों में मैंने टैबलेट भी बताई है जिसे वो चाटेगा नहीं, लेकिन यहाँ आप अप्लाई करने के बाद ये कीजिए। अब ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही है ना, हल्दी और नारियल का तेल, ये आप खिलाने में भी काम में ले सकते हैं। जो वर्जिन नारियल का तेल आता है शुद्ध, उसे आप खिलाने में भी काम में ले सकते हैं। रोज़ 5 से 10 ml अगर उस स्ट्रीट डॉग को खिला दें आप खाने में मिला करके, और साथ में आधा चम्मच हल्दी मिला दीजिए, फिर देखिए कमाल। अगर दोनों तरफ से हल्दी आप अप्लाई भी करेंगे और आप खिलाएंगे भी, तो बहुत अच्छा कमाल देखेंगे कि स्ट्रीट डॉग का जो घाव था वो जल्द से जल्द भर गया। बस उसे साफ सफाई रखिए। और एक निवेदन और रहेगा कि बहुत सारी दवाएं, जैसे एक टिंचर आयोडीन करके दवा आती है, टिंचर आयोडीन बहुत अच्छा वर्क करती है, पोविडोन आयोडीन आती है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है लगाने के लिए, तो स्ट्रीट डॉग का पूरा ख्याल रखिए और उसको, इन मेडिसिंस को लगा करके और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आ गया है, यूट्यूब ने दे दिया है, तो वहाँ आप रोज़ रात 10 से 10:30 के बीच हमसे रूबरू हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।